आज ग्राम अमलार में जिला राजगढ़ में डॉक्टर श्रीमान जी विनोद कुमार जी आए हैं। यहाँ पे NRC 150 लगी हुई है, KP भैया के खेत में खड़े हैं। हाँ जी, KP भाई, आपका गांव अमलार जी, ये NRC 150 आपने कब लगाई थी? सर 25 जून को लगाई थी। 25 जून को लगाई थी। लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी है आपने? लाइन से लाइन 6 इंची, 18 इंची। 6 इंची क्या बोल दिया आपने? ये इसकी तो पास की दूरी बता रहा है, पौधे से पौधे की दूरी। जरा आइए साथ और जरा दिखाइए, ये ऐसे लगाया है, देखिए। बीज दर कितना है? बीज दर सर इसका 17 किलो है। 17 किलो बीघा प्रति बीघा दिया है। बीघा कितने का है आपका? 27,000। ठीक है, बिल्कुल बीज दर आपने उपयुक्त रखी है। और इस समय हम देख रहे हैं कि पूरी खेत में फलियां ऊपर ऊपर नजर आ रही हैं। ठीक है, आपने NRC 142 भी लगाई है? हाँ सर, लगाई ना। तो क्या तुलना कर पाओगे आप वहाँ पर? सर दोनों अच्छी है। नहीं तो वो तुलना फर्क तो होता है दोनों में। ये जल्दी जाएगी सर और वो लेट आएगी। अच्छा, पौधे को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर इसकी जो ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। किसकी ब्रांचेज आए? 142 की ज्यादा है 150 की? मुझे तो ब्रांचिंग जो है 142 की ज्यादा लग रही है। भैया इसकी भी अच्छी है। किसी प्रकार का कोई रोग जो है आपको फसल के दौरान, क्योंकि इस समय जो फसल है वो पूरी तरह स्वस्थ है, किसी तरह का कोई भी फंगल या इंसेक्ट अटैक नहीं नजर आ रहा है? सर इसमें नहीं आया, दो बार स्प्रे करे इसकी। अच्छा, कितने सालों से खेती कर रहे हो? सर मेरे को हुआ 15 साल। 15 साल के अनुभव के आधार पे बताइए कि ये जो फलियां आपको नजर आ रही हैं, आपने जब दाना लगाया होगा, बीज डाला होगा जमीन में, तो आपने दाने का साइज भी देखा होगा सर। उसके आधार पे और जो फलियों की संख्या प्रति पौधा नजर आ रही है, क्या पाओगे आप अपना उत्पादन आखिर में? 6 क्विंटल के लगभग। 6 क्विंटल क्या? बीघा। 6 क्विंटल बीघा, तो आपको कम से कम 25 क्विंटल जो है, हेक्टेयर में 30 क्विंटल कम से कम मिलने वाला है प्रति हेक्टेयर। शुभकामनाएं हमारी आपको, एक अच्छी फसल जो है गांव में आप दूसरों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल इतनी अच्छी फसल है कि देखते ही बन रहा है कि बिल्कुल कोई एक पत्ता भी किसी व्याधि से नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। आज खेत पे माखन गिरगी गोस्वामी जी आए थे प्लाट देखने, NRC 150 का। सर बताओ कैसी तोरे लगी आपको? सर बहुत ही शानदार सोयाबीन है। वास्तव में मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा सुनी थी पिछले साल भी और इस साल भी, कि NRC की जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। और लगभग मैंने तो ये भी सुना था कि 7 से 8 क्विंटल बीघे भी होती है, पर मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन आज जब मैं आपके प्लॉट पे आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ इधर जी, ये जो कड़बिया रखी हुए है, वास्तव में आप इसमें फल देख सकते हैं। और आपका प्लाट देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्लाट की कितने बीघा का है सर? 10 बीघा का है ये प्लाट, देख सकते हैं आप वहाँ से वहाँ तक। ये लगभग 6 से 7 क्विंटल मिनिमम, कम से कम 6 से ऊपर जाएगी, मैक्सिमम 7-7.5 क्विंटल बीघा भी उत्पादन हो सकता है। लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको कि 6 क्विंटल प्रति बीघा से आपकी इस सोयाबीन को कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही शानदार फलिया है इसमें, लगभग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कीजिए जी सर, देख सकते हैं आप, ये इसमें लगभग गुच्छेदार फलियां हैं और एक पौधे में लगभग 70 से 80 फलियां हैं। और दाने भी देख सकते हैं आप, अधिकांश जो दाने हैं वो 3-3 या 4-4 फलियों के हैं। चार फली भी है सर इसमें? चार दाने वाली फलियां भी है इसमें। और दाना आप देख सकते हैं सर, बहुत ही शानदार दाना है, गोल्ड बिल्कुल 95-60 जैसा। अरे वाह यार सर। और सर आपसे एक चीज जानना चाहूँगा मैं जी सर, कि आप कब से कर रहे हैं NRC? सर मैंने इंदौर अनुसंधान से गर्मी में
छह किलो तोर लाया था मैं, तीन तरह की तोर लाया था, दो दो किलो लगाई थी मैंने, एक बीघा में लगाई थी ये तोर, एनआरसी 150 जी। और गर्मी में बीज दर पीस का पैदा करके और अब लगाया और 23 में लॉन्च हुई थी। ऐसे ही मैं 2 किलो बीज मास लेके आया। अच्छा अच्छा, अनुसंधान इंदौर से। इंदौर से जी सर। सर आप हमारे कृषक भाइयों को बताइए कि इसमें बीज दर आपने क्या रखा था? सर इसमें बीज दर रखा था 12 से 15 किलो जी। और राज जैसे अपना राजगढ़ जिला का है 20 बिसुआ का एक बीघा होता है, एक बीघा इसमें 15 किलो डालनी है आपको जी जी। और साजापुर जिला है उसकी, वो थोड़ा छोटा, वो छोटा है तो उसमें आप 12-13 भी औरतों का तो ढक जाएगी। अच्छा अच्छा। सर इसमें कब बोनी की थी आपने? सर ये 25 जून की बोनी है। साथियों देख सकते हैं आप, ये 25 जून की बोनी है और लगभग आज 90 से 92 दिन की हो गई है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। लगभग आधा प्लॉट इनका हार्वेस्टिंग हो भी चुका है, देख सकते हैं आप। सर कुंभकार जी जी सर जी सर, आप प्लॉट बताइए। और ये जो कड़पी है इसमें, ये थोड़ा पास में आइए आप, इसको बताइए, इसको कड़पी को देखिए, हमारे कृषक भाई देख सकते हैं। साथी नीचे कीजिए थोड़ा सा आप इसको, ये मैं उठा के देख रहा हूँ, काफी वजन है सर, काफी वजन है, कड़पी गेहूं जैसा पुला पड़ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार वैरायटी है सर। और अच्छा एक बात और है इसमें, इतना मैं अभी तक देख रहा हूँ, पूरा प्लाट मैंने आपका देखा, अभी तक एक भी गोड़ आड़ा नहीं पड़ा है। अच्छा। ये भी एक मतलब मैंने नोटिस किया है, बहुत जगह जैसे हमारी 11-35 है, वो सर मैंने भी बोई है 11-35। अच्छा, अच्छा, हाँ, लगभग 4 से 5 बीघा की 11-35 है मेरे पास। लेकिन वो है अच्छी सोयाबीन, मानना पड़ेगा उसको भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 11-35 से कई गुना एनआरसी की वैरायटी बहुत शानदार है। मैं 11-35 की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों में तुलना करें तो मुझे एनआरसी बेस्ट लगी है। और उत्पादन भी मेरे हिसाब से, मतलब मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 6 क्विंटल बीघा से ऊपर जाएगी ये वैरायटी, हो सकता है 7-7.5 भी अगर निकल जाए बीघा की, तो इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं है। इतनी अच्छी है, हाँ, इतनी अच्छी सोयाबीन है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए 1.5 से 2 क्विंटल सोयाबीन बुक कर दीजिए। ठीक है ठीक है सर, अगले वर्ष एनआरसी ही यूज करूंगा। ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए तो। धन्यवाद कुंभकार जी। अरे यार काम तो भैया कहाँ से लाए, तोर तो यार की वहाँ जाने का गाँव को कड़पा से लाइन में लग रही है तो यार, वो वजन भी बहुत बहुत हैवी है यार। तो चचा यह बताओ आपके के एक ही सूखने के बाद लंबाई तो बता दो कि कैसी है? लंबाई कम से कम 4.5 फीट से कम नहीं होगी। यह इतनी लंबाई आपका सामने ही है तोर? देखो ये देखो आप। और कड़पा कैसे पड़े चचा? कड़पा मतलब गाँव का कड़पा तो और भी मतलब दूर दूर पड़े पर एक तो बिल्कुल पास पड़ रही है यार। और तोर को देखभाल बाहर तो पहली बार देखभाल मारी ऐसी तोर, इतनी अच्छी तोर है। हाँ इतनी जोर, अब देखो कितनी आ रही, 3.5-4 फीट तो दिख रही है, पेड़ से ऊपर जा रही है। तो चचा मतलब आपको खेत देखने आए हैं तो आपको कैसा लगा इसमें तोर में? अरे खेत तो ऐसा लग रहा है मतलब मैं आसपास कोई तोर भी नहीं थी ऐसी, इतनी अच्छी तोर है, इतनी जोरदार तोर है यार। वाह यार चचा मतलब। और ये 15 किलो 12 किलो बीघा और 15 का बीच में डली हुई तोर है चचा ये? अच्छा अच्छा। हाँ तो ये भैया दूसरे किसान से भी कीजिए भैया इतनी बहुत ज्यादा मत बोल। तब किसान मानते ही नहीं हो तो 30-35 किलो? नहीं, नहीं, वो गलती किसान की, मतलब वो दो तरफ से नुकसान हो में, क्योंकि अपने बीज भी ज्यादा पड़े हो में और पैदावार भी कम होगा। ये या तो अच्छी नहीं, बीज भी कम लगे और उत्पादन ज्यादा है को। वो चचा खेत में चारा आ रहा तो कुछ है नहीं, चारा की एक फुकनी नहीं मिला जाना, ऐसा काला खेत पड़े जाने कोई अभी कंप्लीट करके अपने रखो, ऐसा खेत पड़े सारे जी जाने बोन करा नहीं अपन। हाँ हाँ ऐसा खेत पड़े अभी इस टाइम पे एक चारा कोई पुतली भी नहीं है मेरे। और चाचा आपसे एक बात और पूछने जा रहे हो कि ये तोर आड़ी तो नहीं गिर रही आपको दिख रही? आड़ी एक भी नहीं है, एक गोड़ भी आड़ो नहीं, सारी खड़ी है सारी जी। और तो के की आड़ी पड़ गई है और ना हिस्टर से कट रही है, काय से भी कट रही हो और नुकसान और एक नया पैसा भरा मेरा नुकसान नहीं है चचा। चचा बहुत बहुत धन्यवाद आप आने से।